हमारे बीच में हमारे एक वरिष्ठ सदस्य हैं जिन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर एसके लोहानी साहब खालिस की, जिनका पांचवा काव्य संग्रह है उन्होंने अभी हाल ही में प्रकाशित किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान लोहानी साहब कृपया पधारें, दो मिनट में संक्षिप्त अपनी प्रस्तुति भी दें और साथ में जो काव्य संग्रह है उसका विमोचन भी आप करवाएं। श्रीमान डॉक्टर एसके लोहानी साहब खालिस, जोरदार तालियां। आपकी प्रेरणा, आपका जो मोटिवेशन है वो बहुत जोरदार है। सबसे पहले ताजा ताजा चार लाइन, जो अभी अभी चुनाव हुए हैं और जो देश में स्थिति बनी है उसके ऊपर कहना चाहूंगा। श्रीमान एसपी चतुर्वेदी साहब को और राकेश जी को खास तौर से समर्पित है कि दल का मुखिया है पर पप्पू है तो नामुमकिन है, बहना दुखिया पीछे जीजू है तो नामुमकिन है, महागठबंधन है पर मन में है बंधन तो नामुमकिन है, बुआ भतीजा जिसे चंदन तो नामुमकिन है, जनादेश नहीं है हिंसा पे भरोसा तो नामुमकिन है, कोई नीति नहीं नशा है भरोसा तो नामुमकिन है, हार हुई है निर्मम पर समीक्षा दुर्गम तो नामुमकिन है, भ्रष्ट नेता झेले जनता मासूम तो नामुमकिन है, योग्यता पे वंशवाद हो भारी तो नामुमकिन है, एकता पे चले जाति की कटारी तो नामुमकिन है। महबूबा फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों के लिए कि देश का खाना पड़ोसी का गाना तो नामुमकिन है, 2017 2019 में नाकाम तो 2024 नामुमकिन है। आखिरी लाइन कि सबका साथ सबका विकास सच है तो मुमकिन है, और चाणक्य हो शाह और मोदी है संग तो मुमकिन है। धन्यवाद। मैं अब मेरी ये पांचवा काव्य संग्रह है उदासी से आनंद की ओर। आज जो दुनिया भर में लोग बड़ी उदासी और टेंशन में रहते हैं उनको प्रेरणा देने के लिए, उनकी उदासी दूर करने के लिए, जीवन में आनंद का संचार करने के लिए जिस तरह की रचनाएं कविताएं होनी चाहिए जो कवि का फर्ज है, काल्पनिक उड़ान के अलावा जो है लोगों को एक सही रास्ता दिखाए, एक आनंद लाए जीवन में, उस तरह की रचनाएं इसमें ली गई हैं। तो उसमें से एक रचना मैं जरूर सुनाना चाहता हूं जो अपने जायंट्स ग्रुप के मेंबर्स के लिए भी प्रेरणादायक है। तन की अभिलाषा, जैसे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने रचना दी थी तो पुष्प की अभिलाषा, उसी तरह से मैंने तन की अभिलाषा कि इस तन का क्या, परमात्मा ने जो ये तन दिया है इसका इसकी क्या उपयोगिता है, इसी को आपके सामने रखना चाहता हूं। इसके तीन पार्ट हैं, एक